दिल्ली में एमसीडी के बाद मेयर चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से मेयर पद की प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, क्या उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे और क्या रणनीति है? देखिए, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे मेयर प्रत्याशी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। और ये चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति का एक हिस्सा है जहाँ दो पार्टियाँ आमने सामने चुनाव लड़ती है, और मैं भाजपा के प्रत्याशी के रूप में यहाँ हूँ और पूरी ताकत के साथ हम अपना ये चुनाव लड़ेंगे। क्या रोडमैप होगा दिल्ली के विकास के लिए? देखिए, रोडमैप एक ही है। यहाँ दिल्ली में जो नगर निगम में मेयर का चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट चुनाव है, जो कि काउंसलर अपना वोट देते हैं और अपना प्रतिनिधि मेयर के रूप में चुनते हैं। और ये पूर्णतया निगम पार्षदों पे डिपेंड करता है कि वो किसे अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अनुभव के आधार पर, मेरिट के आधार पर मुझे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और हम सब मिल करके दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे। संख्या बल में आप कम है, एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर बहुमत मिला है, फिर भी आपको क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद पर आपको जो उतारा गया इस पर लोग विश्वास जताएंगे? जो पार्षद में संख्या बल का मामला ही नहीं है ना, क्योंकि जो 250 पार्षद हैं उनमें से एक व्यक्ति को मेयर बनना है और बाकी लोग उनके लिए वोट करने वाले हैं। तो जो चुने हुए पार्षद हैं उनकी अपनी क्षेत्र के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो उनकी तमन्नाएं हैं कि मेरे वार्ड में इतना काम होना चाहिए, निश्चित रूप में कोई नया व्यक्ति उतना काम नहीं संभाल पाएगा। एमसीडी का जो पूरा सिस्टम है जितना पेचीदा है और जिस तरीके से हमें किल्लतों के बीच में भी अधिकारियों से काम लेना पड़ता है, उसमें अनुभव का एक बड़ा महत्व है। आज मैं 3 बार की निगम पार्षद हूँ और मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है एमसीडी में काम करने का, और मैं लगातार मेरी पार्षदों से अपील है और मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पार्षद बहुत पसंद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कोई एक ऐसा नेता एमसीडी को चलाए जो तुरंत प्रभाव में रिजल्ट देने की स्थिति में हो, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में सुंदर, ग्रीन और क्लीन दिल्ली बनाने के लिए हम सब पार्षद मिलकर काम करें, और मैं पूरी तरीके से हर पार्षद की मदद करूंगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि पार्षदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये उनकी असुरक्षा का भाव बोल रहा है। उन्होंने तोड़ तोड़ के यहाँ, उनके अपने पास क्या है, उन्होंने किसी को कांग्रेस से तोड़ के टिकट दे दिया तो किसी को आप पार्टी बीजेपी से तोड़ के टिकट दे दिया। उनके पास अपने कितने पार्षद हैं जरा वो हिसाब किताब लगाए तो उन्हें ध्यान में आएगा। आज जिसको भाजपा से टिकट नहीं मिली वहाँ से चुनाव लड़ लिया, किसी को कांग्रेस नहीं मिली तो कांग्रेस नहीं मिली तो वहाँ से टिकट दे दिया, तो ये कोई कारण नहीं है और ये कोई उनके सोचने की संकीर्ण मानसिकता मैं समझ सकती हूँ है। आज खुला चुनाव है, हर एक का अपना अधिकार है, अपनी सोच है, और इस अधिकार के नाते वो जो वोट करेंगे वो उनकी अपनी इच्छा है। अच्छा, मेयर पद की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से 2-2 कैंडिडेट उतारे गए हैं, इसे आप कैसे देखते? ये उनकी आपसी फूट है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि वो खुद ही असमंजस की स्थिति में है। अगर वो आज 134 पार्षद होने पे 2 मेयर लड़ा सकते तो भाजपा तो 105 पार्षद होने पर 1 मेयर लड़ा ही सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया। तो ये थी रेखा गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है और मुझे उम्मीद है कि जो दिल्ली के पार्षद हैं वो इन पर भरोसा जताएंगे। आने वाले दिनों में आखिर दिल्ली का मेयर कौन बनता है, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा।